और बात सुशांत केस की कर लेते हैं, क्योंकि जांच अब सीबीआई के पास है और इसके बाद बिहार में जश्न भी मना। वहां की सरकार भी संतोष की सांस ले रही है, लेकिन बिहार में मौजूदा वक्त में दो और ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नजरें इनायत करना बेहद जरूरी है। जी हां, पूरा बिहार जहां कोरोना से जंग लड़ रहा है, वहीं बाढ़ से कई जिलों में अब भी हाहाकार मचा हुआ है। अब सवाल सबसे बड़ा यही कि क्या सुशांत के साथ साथ कोरोना और बाढ़ से उपजी मुसीबतों का समाधान भी होगा? बिहार पुलिस जिंदाबाद, सुशांत सिंह राजपूत अमर है। बिहार पुलिस जिंदाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत केस का जिम्मा सीबीआई को सौंपने का फैसला सुनाया, पटना की सड़कों पर होली की रंगत भी नजर आई, दिवाली की आतिशबाजी भी दिखाई दी, सुशांत के प्रशंसकों की खुशियां परवान भी चढ़ी। एहसास हो रहा है कि इंसाफ के लिए जंग में आधी जीत तो मिल ही गई, बिहार के लाडले को न्याय मिल कर रहेगा। अब बिहार की एक और तस्वीर को देखना भी आपके लिए जरूरी है। बिहार के कई जिले अभी भी बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। अब की बार बारिश इतनी हुई कि नदियों में सैलाब आ गया, नेपाल से पानी इतना छोड़ा गया कि उत्तर बिहार के जिले जलमग्न हो गए। बिहार में हालात गंभीर हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार में करीब 80 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 25 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो चुकी है। सुशांत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर बिहार के मुख्यमंत्री समेत तमाम नेता संतोष जता रहे हैं, लेकिन जरा एक नजर बाढ़ से जूझते लाखों लोगों पर भी डालना जरूरी है। इनकी परेशानी को देखना और समझना भी जरूरी है। बेशक सुशांत के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो इंसाफ जरूरी है, लेकिन क्या जिन गरीबों ने अपना सब कुछ खो दिया है उनकी भी सुध लेना क्या जरूरी नहीं? बिहार में सिर्फ सुशांत और बाढ़ का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सूबा कोरोना से भी जंग लड़ रहा है। बाढ़ ने तो करीब दर्जन भर जिलों को ही जलमग्न किया है, लेकिन कोरोना तो समूचे राज्य में फैला है। बिहार में कोरोना के 80,330 केस हो चुके हैं और 476 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एक दिन में 3,878 नए मरीज कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर तीन तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनमें से एक केस में जहां पहली जीत का जश्न है, तो वहीं बाकी दो तस्वीरों में मुसीबत, मौत और मातम का मंजर है। उम्मीद है कि नीतीश सरकार इन दो तस्वीरों को भी मुकम्मल और सुकून भरे अंजाम की ओर ले जाएगी। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।